पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इतनी संख्या में जवानों की शहादत से जहां पूरे देश में शोक की लहर है, तो वहीं शहीदों के परिवार की तरफ मदद के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मंदिर के बाहर भीख मांग कर अपना गुजारा करने वाली महिला ने अपनी सारी कमाई दान कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। जी हां, तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम है देवकी शर्मा। अजमेर में मंदिर के बाहर भीख मांगने वाली इस महिला के जीवन भर में जमा की गई राशि पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को समर्पित कर दी गई है। ऐसा इस महिला की इच्छा पर हुआ है, जिनकी मौत करीब 6 महीने पहले हो चुकी है। अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित माता मंदिर पर पिछले 7 साल से देवकी शर्मा भीख मांगकर गुजारा करती थी। मौत से पहले इस महिला ने लोगों को दी गई भीख से 6,61,600 रुपए जमा किए थे, जो बजरंगगढ़ चौराहा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में जमा थे। इस महिला ने अपने जीवन काल में ही जय अम्बे माता मंदिर के ट्रस्टियों से ये कह दिया था कि उसकी मौत के बाद इस राशि को किसी नेक काम में खर्च किया जाए। मंदिर ट्रस्टी संदीप के अनुसार देवकी शर्मा की अंतिम इच्छा को अब जाकर पूरा किया गया। ये राशि अजमेर कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा को एक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सौंपी गई। दरअसल इस महिला ने खुद के जिंदा रहने के दौरान ही इस राशि का ट्रस्टी बना दिया था और आज ये पूरी राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए समर्पित की गई है। इस महिला की अंतिम इच्छा के अनुरूप इस राशि का उपयोग पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के शहीदों के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने में किया जाएगा। आपको बता दें कि देव की भीख से जमा हुए पैसों को घर पर रखती थी। उसका जब निधन हुआ तो उसके बिस्तरों की जाँच की गयी तो उसमें 1.5 लाख रुपए और निकले। इस राशि को भी समिति ने बैंक में जमा करवा दिए हैं, लेकिन अब इस महिला की ये कमाई देश के शहीदों के परिवार के घरों को रोशन करेगी, जो सही मायने में शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।